अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आतिफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आतिफ टैक्स दोस्तों चैनल में आप लोग खुश आमदीद करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि आप लोग अपने YouTube पर थंबनेल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, वीडियो हमारी होती है यहां से स्टार्ट, जिसमें आज आप लोगों को बताने जाऊंगा कि आप लोग अपनी YouTube की जो वीडियोज़ हैं, जो आप वीडियोज़ अपनी क्रिएट करते हैं YouTube पर, उस पर आप लोग अपना थंबनेल किस तरीके से लगा सकते हैं या किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के सामने पेश आती है, मतलब जितने भी नए यूज़र हैं, जितने नए यूट्यूबर हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम भी अपनी वीडियोस पर थंबनेल ऐड करें, अपने थंबनेल लगाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊं तरीकेकार कि आप लोग किस तरीके से अपनी वीडियोज़ पर यूट्यूब थंबनेल ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो थंबनेल ऐड लगाते हैं और इसका लगाने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और एक और बात कि ये जो थंबनेल हैं वीडियोज़ जो मतलब आप यूट्यूब पर लगाते हैं, उससे आपकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा वीडियो पर व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और ज़्यादा लोग शेयर भी करते हैं। क्योंकि एक जब कोई बंदा YouTube यूज़ करता है, तो मतलब YouTube को चला रहा है, तो उसके सामने सबसे पहले आप लोगों की वीडियोज़ आ रही होती हैं, तो वीडियोज़ के ऊपर थंबनेल से वो आपकी वीडियो को क्लिक करता है और थंबनेल से आपकी वीडियो को देखता है। तो आप लोग जितना अच्छे थंबनेल बनाएंगे ना, उतने अच्छे आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा आप लोगों के वायरल होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात ये है कि आप लोग जो अपना YouTube का थंबनेल है वो प्रोफेशनल और बेहतरीन और मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब जितना अच्छा थंबनेल आप लोग क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है YouTube पर, जो मैंने पहले आप बनाई थी पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोग अपना प्रोफेशनल और अच्छा YouTube का थंबनेल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और YouTube का जो थंबनेल है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। तो आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि मतलब बहुत ऐसी कम वीडियो जिसमें थंबनेल यूट्यूब का मतलब बगैर थंबनेल के नहीं होती वीडियो। ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो थंबनेल से मतलब थंबनेल सामने शो हो रहा था, उसके बाद फिर वीडियोस आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक और बात मैं बताऊं आप लोगों की, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी चीज़ वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग वीडियो की मेन तरफ, जिसमें मैं बताने जाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी YouTube पे वीडियो पर थंबनेल ऐड करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, सिंपली हर बारी की तरह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है YouTube स्टूडियो, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं YT स्टूडियो, ठीक है दोस्तों। ये YouTube की ऐप है, इस ऐप में आप अपनी वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं, जो YouTube पे वीडियोस बनाई हैं आपने उसकी एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ मतलब इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप लोग पुराने यूज़र हैं तो आप लोग इसके बारे में मालूम होगा, अगर आप लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसे करता हूं ओपन। ओपन करने के बाद कुछ देर के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो यूट्यूब पर वीडियोज़ पोस्ट की हैं आपने, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी वीडियोज़ की व्यूज़ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने व्यूज़ आए हैं और कितने सब्सक्राइबर आए हैं, कितने वॉच टाइम हुए मेरी वीडियोज़ के, ठीक है। और यहाँ पर अपनी वीडियोस को टैग भी लगा सकते हैं और YouTube की जो वीडियोस हैं वो यहाँ से एडिट की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों के चैनल पे कितने मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो कौन कौन से मुल्कों से देखी जा रही है, तो यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूट्यूब मतलब वीडियोज़ पर अपनी थंबनेल लगाना है कि हम किस तरीके से थंबनेल लगाएं। तो यहाँ पर आप लोगों जो आपने वीडियो पोस्ट करी है YouTube से, ठीक है, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, वहाँ से आप अपनी वीडियो को प्राइवेट में पोस्ट कीजिएगा। प्राइवेट में पोस्ट करने के बाद यहाँ पे आप आके उसको एडिट करके उसे इंटरनेशनल पे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो उठा लेता हूँ जो मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो उठा ली है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कोने पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेंसिल का, इसे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आप कोने पर देखें पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, फिर इसे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर वो देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है एडिट थंबनेल, तो यहाँ पर ये पहले से YouTube की जो मतलब वीडियोस बनाई वीडियोस से भी थंबनेल निकले हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं ये देखें, ये मतलब ये भी लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई अपना YouTube का जो थंबनेल बनाया क्रिएट किया अपनी, जो आपने मोबाइल में क्रिएट किया पर्सनल, वो आप लगाना चाहते हैं, तो वो लगाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे देखें ऑप्शन आ रहा होगा कस्टम थंबनेल का, ठीक है, थंबनेल। तो ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आपका चैनल वेरीफाइड होगा दोस्तों। अगर आप लोगों का चैनल वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, YouTube की तरफ से, तो आप लोग YouTube की प्राइवेसी की तरफ से आप इसमें अपनी मर्ज़ी का थंबनेल जो आपने क्रिएट किया वो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पहले आप लोग जाकर अपने YouTube का चैनल वेरीफाइड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में वीडियो बनाकर दिखा दूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी बात पे होगी, टॉपिक पे होगी कि क्या वेरीफाइड किस तरीके से करें, ठीक है। तो मेरा वेरीफाइड है, यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद जो आपने थंबनेल लगाना है वो आपने उठा लेना है, तो मैं यहाँ से ये थंबनेल उठा लेता हूँ, ठीक है। इसके उठाने के बाद ये सेट हो गया है, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे डन का ऑप्शन, तो डन पे आप लोगों को जाना है और कोने पे ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, तो ये आप लोगों का
जो थंबनेल है ये सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको डिटेल बतानी चाहिए, आप देख सकते हैं टाइटल जो लगा हुआ आपने जो यूट्यूब से मतलब पोस्ट किया था वो यहाँ से आप उसका एडिट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी आप लोग अपनी मर्जी का दे सकते हैं, और पब्लिक वगैरह ये और जो मोर ऑप्शन है इसमें आप लोग टैग्स लगा सकते हैं, अपने जो टैग लगाने हैं तो आप यूट्यूब से नहीं लगा सकते तो यहाँ से आप सिंपली लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी वीडियोज़ में आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को थंबनेल बनाकर दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, और हाँ दोस्तों आप लोगों को बताता चाहूँ कि अगर आप लोगों को मालूम करना है कि प्रोफेशनल थंबनेल किस तरीके से क्रिएट करें तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं आप लोग, तो मैंने उसमें बताया कि आप लोग किस तरीके से अपना प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करें। ठीक है दोस्तों, और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और मेरी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।